हेलो क्लास, नाउ वी विल स्टार्ट चैप्टर 21 इन एसएसटी। चैप्टर 21 है आवर रिच हेरिटेज का मतलब होता है हमारी समृद्ध विरासत। विरासत मतलब जो हमारे पूर्वज ने हमें दिया है। इंट्रोडक्शन, परिचय लेते हैं। इन दिस चैप्टर, इस पाठ में वी विल लर्न अबाउट द डिफरेंट लैंग्वेजेज। हम लोग अलग अलग भाषा के बारे में सीखेंगे। ड्रेसेस, अलग अलग पोशाक, डांस नृत्य, म्यूजिक, आर्किटेक्चर, कला एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, और भारत के त्योहार कौन कौन से उसके बारे में जानेंगे, है ना। आवर सिविलाइजेशन इज नॉट ओनली ओल्ड बट वेरी रिच इन एवरी फील्ड, फ्रॉम लैंग्वेज टू स्पिरिचुअलिटी एंड फ्रॉम म्यूजिक टू मेडिसिन। आवर सिविलाइजेशन, हमारी जो सभ्यता है वो न केवल पुरानी है। आवर सिविलाइजेशन इज नॉट ओनली ओल्ड, हमारी जो सभ्यता है वो न केवल पुरानी है बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में, भाषा से आध्यात्मक में, और संगीत से लेकर चिकित्सा के क्षेत्र में यह बहुत ही समृद्ध है। इंडिया हैज अ ग्लोरियस हिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। भारत का जो कला और स्थापत्य है ना, आर्ट और आर्किटेक्चर, कला और स्थापत्य है, वो उसका इतिहास बहुत गौरवशाली है ना। ग्लोरियस मतलब गौरवशाली, उसका इतिहास बहुत गौरवशाली है, हमें उस पर गर्व करना चाहिए। आवर फोर फादर्स हैव लेफ्ट अस अ रिच एंड वेरिड हेरिटेज। हमारे पूर्वज, फोर फादर्स मतलब पूर्वज, हमारे पूर्वज ने हमारे लिए क्या छोड़ गए हैं, तो विविध विरासत छोड़ गए, समृद्ध और विविध विरासत हमारे लिए छोड़ गए हैं। वी शुड बी प्राउड ऑफ इट एंड कंजर्व इट, हमें इस पर गर्व करना चाहिए और इसकी रक्षा भी करनी चाहिए। लैंग्वेज मीन्स क्या होता है, भाषा। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन, भाषा संचार के लिए बहुत उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, यानी बातचीत के लिए भाषा बहुत ही उपयोगी है। इट हेल्प्स अस टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स, यह हमें अपने विचार को व्यक्त करने में सहायता करता है। इन आवर कंट्री वी हैव 18 मेजर लैंग्वेजेस। इन आवर कंट्री, हमारे देश में 18 प्रमुख भाषाएं बोली जाती है। द लैंग्वेजेस आर, ये लैंग्वेज कौन कौन से हैं, असमीज इस भाषा है ना, असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उर्दू, ओरिया, तमिल, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तेलुगु, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 18 लैंग्वेज है ना जो हमारे देश में बोली जाती है, ठीक है। दीज लैंग्वेजेस हैव मेनी डायलेक्ट्स, ये जो भाषाएं हैं इनकी कई बोलियां हैं, इन भाषाओं की कई बोलियां हैं। डायलेक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द सेम लैंग्वेजेज, बोलियां एक ही भाषा के विभिन्न रूप हैं। वो जो बोली है एक ही भाषा का बोली है, लेकिन उसका अलग अलग रूप है। संस्कृत एंड तमिल आर द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ इंडिया, भारत का सबसे पुराना भाषा क्या है, संस्कृत और तमिल। हिंदी इज आवर ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी हमारी राजभाषा है। ऑल दीज लैंग्वेज आर रिटन इन डिफरेंट वेज, ये सभी भाषाओं को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। मोस्ट लैंग्वेजेज आर रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, बहुत सारी भाषाएं दाएं से बाएं लिखी जाती है। बट सम लैंग्वेजेज आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन कुछ ऐसे लैंग्वेज है, भाषा है, जो
बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती है, लाइक उर्दू, कश्मीरी, सिंधी। वो कौन कौन सी भाषा है जो बाएं से दाएं लिखी जाती है? वो है उर्दू, कश्मीरी और सिंधी, है ना। आवर ड्रेसेस, हमारी पोशाकें, मतलब कपड़े। वी सी डिफरेंट कल्चर्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, हम अपने देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह की संस्कृति देखते हैं, है ना। पीपुल वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग इलाकों में लोग अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। पीपल लिविंग इन सिटीज एंड टाउन्स वियर मॉडर्न ड्रेसेस, लोग जो सिटी या टाउन में रहते हैं वे मॉडर्न ड्रेस पहनते हैं। वाइल ट्रेडिशनल ड्रेसेस आर वर्न इन विलेजेस, लेकिन जो गांव में रहते हैं वो आधुनिक कपड़े पहनते हैं ना, मतलब गांव के हिसाब से वो कपड़े पहनते हैं। द इंडियन वुमेन मोस्टली वियर साड़ी एंड सलवार कमीज, भारतीय महिलाएं अधिकतर साड़ी और सलवार कमीज पहनती है। बट द वे ऑफ वियरिंग इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, लेकिन उनके जो पहनने का जो तरीका होता है वो राज्य दर राज्य अलग अलग होता है, हर राज्य में वो अलग अलग प्रकार से पहनते हैं। द बंगाली, गुजराती एंड महाराष्ट्रियन मेथड ऑफ टाइंग द साड़ीज इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बंगाली में, गुजराती में और महाराष्ट्री ये लोग जो है वो उनके जो साड़ी पहनने का जो तरीका है वो सबसे अलग होता है। द घाघरा इज कॉमन इन गुजरात, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में घाघरा बिल्कुल कॉमन है, है ना, लोग घाघरा ही, औरतें घाघरा पहनती है। वुमेन ऑफ द नॉर्थ एरियाज वियर लॉन्ग स्कर्ट्स विथ स्ट्रैप्स ऑफ वेरियस कलर्स, उत्तर क्षेत्रों की जो महिलाएं हैं वो क्या पहनती हैं? वो रंगों की धारी वाली लंबी स्कर्ट पहनती है, उसके साइड साइड में पाड़ होता है, वैसी वो स्कर्ट पहनती है ना, और उसके अलग अलग रंग होते हैं। देयर क्लोथ्स आर यूजुअली ब्राइट एंड कलरफुल, उनके जो कपड़े होते हैं आमतौर पर चमकीले और रंगीन होते हैं। द ड्रेसेस वर्न बाय द इंडियन मेन डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन, अब अलग अलग क्षेत्रों में पुरुष अलग अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं। द मेन वियर ट्राउजर एंड शर्ट इन द टाउन एंड सिटी, टाउन और सिटी में पुरुष क्या पहनते हैं? ट्राउजर और शर्ट पहनते हैं, कमीज पहनते हैं। बट धोती कुर्ता एंड कुर्ता पायजामा आर ऑल्सो वेरी कॉमन, लेकिन वहां भी लोग धोती कुर्ता और कुर्ता पायजामा भी वो पहनते हैं, है ना। लुंगी इज वर्न बाय पीपल इन पंजाब एंड इन साउथ इंडिया टू, लुंगी जो है वो कहाँ के लोग पहनते हैं? पंजाब के लोग पहनते हैं और साउथ इंडिया में लोग लुंगी पहनते हैं। सलवार कमीज एंड फिरान आर वर्न बाय कश्मीरी मेन, कश्मीर के जो पुरुष हैं वो सलवार कमीज और फिरान पहनते हैं, है ना। इन इंडिया मेन कवर देयर हेड विथ अ कैप और टर्बन, भारत में पुरुष जो है अपने सिर में या तो टोपी पहनते हैं या फिर पगड़ी से सिर को ढक लेते हैं। बट द स्टाइल ऑफ अ टर्बन डिफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, लेकिन हर एक राज्य में जो पगड़ी बांधने का वो तरीका है, वो पगड़ी बांधने का जो स्टाइल है वो अलग अलग होता है। इन महाराष्ट्र मेन वियर गांधी टोपी, महाराष्ट्र में पुरुष क्या पहनते हैं? गांधी टोपी पहनते हैं, है ना। डांस एंड म्यूजिक, अब नृत्य और म्यूजिक, है ना। इन ओल्डन डेज डांस एंड म्यूजिक आर प्लेड ओनली इन टेम्पल्स, इन ओल्डन डेज मतलब पुराने समय में, पुराने समय में, पुराने दिनों में डांस एंड म्यूजिक नृत्य और जो संगीत है वो केवल मंदिरों में ही होता था। पीपल प्रेड टू
गॉड थ्रू देयर डांस एंड सॉन्ग्स। लोग भगवान की पूजा कैसे करती थी, तो वे नृत्य करके और संगीत गाकर गॉड की पूजा करते थे, भगवान पूजा करते थे। इवन फोक स्टोरीज वीयर टोल्ड थ्रू सॉन्ग्स एंड म्यूजिक। यहां तक कि लोक कथाओं को भी गीतों के माध्यम से और संगीत के माध्यम से सुनाया जाता था। इन इंडिया देयर आर टू टाइप्स ऑफ डांसेस। भारत में दो प्रकार के नृत्य हैं, कौन कौन? पहला है फोक डांस यानी लोक नृत्य, और दूसरा है क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय संगीत, है ना, शास्त्रीय नृत्य। पहला फोक डांस मतलब लोक नृत्य क्या है? फोक डांसेस इन इंडिया आर एन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय ऑन वेरियस ओकेजन्स लाइक अ वेडिंग, अ फीस्ट, अ फेस्टिवल और अ बर्थ ऑफ अ चाइल्ड। फोक डांस जो है भारत में लोक नृत्य जो है वो बहुत सारे अवसर में लोग खुशी मनाने के लिए करते थे, है ना, जैसे शादियों में, पार्टियों में, है ना, दावत में हो गया, और भी जैसे बर्थ प्लेस में, जैसे किसी का जन्म हो गया या फिर कोई त्योहार हो गया, बच्चे का जन्म, त्योहार और शादी और दावत, ये सब में लोग लोक नृत्य करते थे, है ना। दीज डांसेस आर परफॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये जो नृत्य है वो लोगों के ग्रुप में परफॉर्म होता था, एक साथ लोग मतलब ग्रुप बनाकर नाचते हैं। अ पर्सन सेलिब्रेट्स द बिगनिंग ऑफ अ न्यू सीजन विथ फोक डांसेस एंड मार्क्स द हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स। लोग नए सत्र की शुरुआत में, है ना, जब नया फसल तैयार होता है तो उसकी खुशी में लोग सीजन पर फोक डांस मतलब लोक नृत्य करते थे और मतलब खुशी मनाते थे कि नए फसल तैयार हो गया, है ना। द स्पेसिफिक फोक डांसेस ऑफ इंडिया आर। भारत के विशिष्ट लोक नृत्य हैं कौन कौन है, तो वो है भांगड़ा एंड गिद्धा जो पंजाब में किया जाता है, डांडिया एंड गरबा जो गुजरात में किया जाता है, नाटी वो महाराष्ट्र में किया जाता है, बीहू असम में किया जाता है, घूमर राजस्थान में किया जाता है, और कोलातम वो तमिलनाडु में किया जाता है। तो ये सब लोक नृत्य है ना, ये सब जगहों में ये इस प्रकार के लोक नृत्य किए जाते हैं, इसका नाम है लोक नृत्य का नाम है ना। अब है क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य। क्लासिकल डांस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम फोक डांसेस। क्लासिकल जो डांस है यानी शास्त्रीय नृत्य है वो लोक नृत्य से काफी अलग है, है ना। इच मूमेंट ऑफ दिस डांस एंड गेस्चर ऑफ द डांसर हैज सम मीनिंग। इस नृत्य के प्रत्येक आंदोलन और नर्तक के हाव भाव का कुछ अर्थ निकलता है, अगर ये नृत्य करते हैं तो इसमें कोई अर्थ निकलता है। दे रिक्वायर अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस। इसको अभ्यास के लिए बहुत आवश्यकता होती है ना, इस नृत्य को करने के लिए बहुत अधिक प्रशिक्षण मतलब सीखने की और अभ्यास करने की आवश्यकता होती है। स्पेशल कॉस्ट्यूम्स आर वर्न बाय डांसर्स। डांसर के लिए स्पेशल कॉस्ट्यूम होता है, पहनावा है ना, पोशाक, अलग विशेष प्रकार की पोशाकें पहनी जाती है इसको नाचने के लिए। द मेजर क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया आर। भारत में जो मुख्य रूप से क्लासिकल डांस है वो क्या है, वो है कथकली जो केरला में किया जाता है, यक्षगाना वो कर्नाटका में किया जाता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में होता है, कथक नॉर्थ इंडिया में होता है, मणिपुरी डांस मणिपुर में होता है, और ओडिसी ओडिशा में होता है ना। ये सब डांस जो है वो इन राज्यों में होता है, ठीक है। अब है क्लासिकल म्यूजिक यानी शास्त्रीय संगीत। क्लासिकल म्यूजिक इज ऑफ टू मैन स्टाइल।
इसका मुख्य दो शैली है ना क्लासिकल म्यूजिक का, वो है हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक। दो स्टाइल क्या क्या है, एक है हिंदुस्तानी और दूसरा है कर्नाटिक। द हिंदुस्तानी स्टाइल वॉज डेवलप्ड इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया मतलब हिंदुस्तानी शैली का विकास उत्तर भारत में हुआ है, उत्तर भारत में हिंदुस्तानी शैली का विकास हुआ है। द कर्नाटिक स्टाइल वॉज डेवलप्ड इन साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में कर्नाटिक स्टाइल, कर्नाटिक शैली का जो विकास है वो साउथ इंडिया में हुआ है। दिस स्टाइल आर बेस्ड ऑन रागाज, ये जो शैलियां हैं वो रागों पर आधारित है। देर आर डिफरेंट रागाज फॉर डिफरेंट टाइम, यह अलग अलग समय के लिए अलग अलग राग गाया जाता है। इट यूज्ड टू बी अ मींस ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर द रॉयल्स, यह राजाओं के मनोरंजन का साधन हुआ करता था, है ना, राजा लोग ये सब मनोरंजन देखते थे। अ नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इन क्लासिकल म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है, बहुत सारे वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है ना। सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स आर सितार, वीणा, सरोद, ढोलक, फ्लूट, तबला एटसेट्रा, और वे जो वाद्य यंत्र है वो कौन कौन है, वो है सितार, वीणा, सरोद, ढोलक, फ्लूट और तबला, ये सब बजाया जाता है, ठीक है। आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर का मतलब होता है वास्तुकला, है ना। द रूइंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन सो दैट इट हैड वेरी वेल प्लान्ड टाउन्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वास्तुकला सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों, सिंधु घाटी सभ्यता के खंडहरों से पता चलता है कि इसमें बहुत सारे सुनियोजित, बहुत वेल प्लान्ड टाउन्स थे, शहर थे, बहुत सुनियोजित शहर थे। इंडियन आर्किटेक्चर वाज मोस्टली रिलीजियस इन नेचर, भारतीय वास्तुकला ज्यादातर धार्मिक प्रकृति के थे। द स्तूप्स ऑफ सांची एंड सारनाथ वेयर बिल्ट बाय एम्पायर ऑफ अशोका, द स्तूप्स ऑफ सांची, सांची का स्तूप और सारनाथ, ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया है। द कैलाश टेम्पल एट एलोरा हैज बीन कार्व्ड आउट ऑफ अ सिंगल रॉक, अब एलोरा में कैलाश मंदिर को एक चट्टान को तराश कर बनाया गया है, एक ही चट्टान को तराश कर मतलब काट करके बनाया गया है, क्या, कैलाश टेम्पल, ठीक है। द हिंदू एंड जैन टेम्पल्स एट मदुरै, कोणार्क, माउंट आबू, तंजावुर, तिरुपति एंड खजुराहा आर ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर, मदुरै, कोणार्क, माउंट आबू, तंजावुर, तिरुपति और खजुराहा, ये सब जो है वो महान वास्तुकला का उदाहरण है ना, मतलब ये सब कलाकृतियां हैं। इसको देखने से पता चलता है कि पुराने जमाने में भी बहुत अच्छी कलाकृतियां होती थी, ठीक है। द तुर्क्स एंड मुगल्स मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, तुर्क और मुगलों ने भी भारतीय कला और वास्तुकला, भारतीय कला और वास्तुकला को भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दे बिल्ट डॉम्स, फोर्ट, मॉस्क्यू एंड मिनरेट्स, उन्होंने गुंबद, किले, मस्जिद और मीनारे बनवाई है। द जामा मस्जिद, रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, हुमायूं टॉम्स,
फतेहपुर सिकरी एंड ताजमहल ऑफ आगरा, उसमें से क्या क्या है जो बनाए गए हैं, वो है जामा मस्जिद, लाल किला, कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, फतेहपुर सिकरी और आगरा का ताजमहल। द एरोपियंस इन इंडिया लेफ्ट अ मार्क ऑफ इंडिया विथ बिल्डिंग्स लाइक द राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया इन दिल्ली। भारत में यूरोपीय लोगों ने भी दिल्ली में राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया जैसी इमारतों के साथ भारत में एक छाप छोड़ी है ना, मार्क ऑफ इंडिया, भारत में भी एक वैसा छाप छोड़ा ये सब बनाकर, ठीक है। विक्टोरिया मेमोरियल्स इन कोलकाता, कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल, बहाई टेंपल, द विधान सभा, विधानसभा एट बैंगलोर, असेंबली बिल्डिंग ऑफ मुंबई एंड जयपुर एंड द ऑफिसेस ऑफ द न्यू दिल्ली मनी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन दिल्ली आर फाइन एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्किटेक्चर। आधुनिक भारतीय वास्तुकला का उदाहरण क्या क्या है, तो आप देख सकते हैं विक्टोरिया मेमोरियल ऑफ कोलकाता, कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल, बहाई मंदिर, द विधानसभा ऑफ बेंगलोर में, असेंबली बिल्डिंग ऑफ मुंबई में एंड जयपुर एंड द ऑफिस ऑफ द न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन दिल्ली, दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो ऑफिस है, ये सारे क्या एग्जाम्पल है, तो आधुनिक भारतीय वास्तुकला का, ठीक है। अब है फेस्टिवल्स यानी त्योहार। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल, भारत त्योहारों की भूमि है। अ लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया, भारत में बहुत सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, बहुत तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ फेस्टिवल्स इन इंडिया, भारत में वे मुख्य तीन प्रकार के त्योहार हैं, वो है नेशनल, रिलीजियस एंड हार्वेस्ट। तीन तरह के त्योहार कौन कौन है, तो वे हैं राष्ट्रीय त्योहार है, हाँ राष्ट्रीय त्योहार, धार्मिक त्योहार और फसल कटाई का त्योहार। सबसे पहले नेशनल फेस्टिवल जानेंगे ना, राष्ट्रीय त्योहार। आवर मेन नेशनल फेस्टिवल्स आर, हमारे तीन राष्ट्रीय त्योहार हैं कौन कौन है, रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस, इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस एंड गांधी जयंती और गांधी जयंती, ये तीन त्योहार हमारे राष्ट्रीय त्योहार हैं। द इंटायर कंट्री सेलिब्रेट्स द नेशनल फेस्टिवल्स टूगेदर, पूरा देश एक साथ इन त्योहारों को, मतलब राष्ट्रीय त्योहारों को एक साथ मनाता है। नेक्स्ट है रिलीजियस फेस्टिवल्स यानी धार्मिक त्योहार। द इम्पॉर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल्स आर, धार्मिक त्योहारों में महत्वपूर्ण त्योहार कौन कौन है, होली, दिवाली, महावीर जयंती, रामनवमी, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, गुरु पर्व, मुहर्रम, ईद उल जुहा, दशहरा, क्रिसमस, गुड फ्राइडे एंड बुद्ध पूर्णिमा एटसेट्रा। धार्मिक त्योहार में कौन कौन है, तो धार्मिक त्योहार में जो हमारे देश में मनाया जाता है वो है होली, दिवाली, महावीर जयंती, रामनवमी, जन्माष्टमी, दुर्गा पूजा, गणेश चतुर्थी, गुरु पर्व, मुहर्रम, ईद उल जुहा, दशहरा, क्रिसमस, गुड फ्राइडे और बुद्ध पूर्णिमा, ये सब क्या है, धार्मिक त्योहार है ना। अब नेक्स्ट है हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी कि फसल कटाई के लिए जो त्योहार मनाया जाता है वे हैं हार्वेस्ट फेस्टिवल है ना। मेनी इंडिया फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विथ द चेंज ऑफ सीजन्स, भारत के कई त्योहार हैं वो ऋतुओं से जुड़े हैं ना, सीजन से। दे आर सेलिब्रेटेड एज हार्वेस्ट फेस्टिवल, वे फसलों के तैयार होने पर मनाए जाते हैं। होली एंड बसंत पंचमी आर फेस्टिवल्स ऑफ द स्प्रिंग, होली और जो बसंत पंचमी सरस्वती पूजा है वो क्या फेस्टिवल है, वो है स्प्रिंग का त्योहार है ना, यानी कि
बसंत ऋतु का त्योहार है ना, बैसाखी इन पंजाब, और पंजाब में बैसाखी मनाया जाता है, ओणम इन केरला, केरला में ओणम त्योहार मनाया जाता है, पोंगल इन तमिलनाडु, तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है, और हार्वेस्ट फेस्टिवल, ये सब सब हार्वेस्ट फेस्टिवल मतलब नए फसल तैयार होने पर ये सब त्योहार मनाए जाते हैं। क्या क्या? होली, बसंत पंचमी, बैसाखी, ओणम और पोंगल, ये सब त्योहार हार्वेस्ट फेस्टिवल है ना। फेस्टिवल्स मीन्स शेयरिंग आवर जॉयज विथ ईच अदर। फेस्टिवल का क्या मतलब होता है? कि हम अपनी खुशी एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, ठीक है। वियरिंग न्यू क्लॉथ्स एंड ईटिंग स्वीट्स आर ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मोस्ट फेस्टिवल। और वियरिंग न्यू क्लॉथ्स है ना, नए कपड़े पहनना और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां बांटना, नए कपड़े पहनना, मिठाई खाना भी ज्यादातर त्योहारों का अहम हिस्सा होता है, ठीक है। अधिक से अधिक त्योहार नए नए कपड़े पहनना और नए नए तरह के मिठाइयां खाना भी एक अहम हिस्सा होता है त्योहारों का, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज, वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप से करेंगे, उसे अपनी कॉपी में लिख के याद करेंगे, ओके।